हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको क्लास 10 साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बताऊंगा जो बोर्ड एग्जाम 13, 14, 15, 17, 18 5 साल आ चुका है। तो ये देखते हैं कौन सा न्यूमेरिकल है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य 64 जूल है तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान क्या होगा। आपको वैद्युत विभव का मान निकालना है, ठीक है। आपको एक एक स्टेप बताऊंगा। आपको एक क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन आएगा आप 100% कर लेंगे। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लो जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे आप हल। कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे हल। तो यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है, तो जो जो सबसे पहले दिया है उसे लिख लेते हैं। तो लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर लिखेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इलेक्ट्रॉन को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो एन इक्वल टू दिया है हमारा 1, और हमें दिया है क्या, बिंदु तक लाने किया गया कार्य, कार्य दिया है मतलब डब्लू, हमें कार्य दिया है डब्लू इक्वल टू दिया है 64 जूल, ठीक है। तो 64 जूल लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि जो Q का फॉर्मूला होता है हमें निकालना क्या, वैद्युत विभव का मान। तो लिखेंगे हम जानते हैं आवेश Q इक्वल टू एन ही होता है, ठीक है। तो और E का जो होता है 1.6 इंटू ई इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10^-19 कूलम, ठीक है। तो एन ही है तो एन की वैल्यू हम लोग n की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू ये हो गया। तो n की वैल्यू 1 है तो 1 इंटू 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है, कूलॉम लिख लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी इतना है, 1.6 इंटू 10^-19 कूलॉम। यहां तक क्लियर है। फिर हमें निकालना क्या है, वैद्युत विभव का मान। तो हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे वैद्युत विभव, इसे हम V से डिनोट करते हैं, तो W अपॉन Q होता है, ठीक है। तो W की वैल्यू हम लोग कितना दिया है, कार्य 64, तो 64 अपॉन 1.6 इंटू 10^-19, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4 इंटू 10^20 वोल्ट, ठीक है। आपको कमेंट करके बताइएगा कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। 4 इंटू 10^20 वोल्ट, ये मात्रक बिल्कुल लिखना मत भूलना क्योंकि इस पे स्टेट मार्किंग होती है, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसका आंसर तो उस बिंदु पर कार्यरत वैद्युत विभव का मान 4 इंटू 10^20 वोल्ट होगा, ठीक है। तो अगर न्यूमेरिकल समझ में आ गया तो प्लीज लाइक करो। अगर ऐसे ही फ्यूचर में सभी साइंस के क्वेश्चन के सभी न्यूमेरिकल चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाओ जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।